जाओ। आप बहुत सारा ट्रैक्टर खींचा और ऑक्सीजन ना मिला मेरा। नमस्कार दोस्तों, तो आज हम फिर से मिल चुके हैं इस नए वीडियो में और अभी हम जा रहे हैं अपने गांव। मेरे साथ है मेरे बड़े भाई प्रवीण पैनोली जी और मेरा छोटा भाई है अंकुर पैनोली और अभी हम बैठे हैं मैक्स की छत पे। ये देखिए बहुत ही एडवेंचर के साथ ये ट्रिप हो रही है। तो गांव जाएंगे, गांव में प्लान है कि कुछ वहां पे बनाएंगे अपने लिए। हम तो मैक्रोनी बनाने वाले हैं और बंटी की बनाएंगे। बाकी इन लोग की कुछ और इच्छा है, देखते हैं ये लोग क्या बनाते हैं। तो मैं आपको अपना गांव भी दिखाऊंगा आज, मेरा गांव कैसा है। तो चलिए देखते रहिए, मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो में। तो भाइयों बताइए कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया, कितना मजा आ रहा है। आनंदमय शीतल एकदम। गाड़ी की छत पे चढ़ के कैसे मजा आता है? एकदम रोमांचक। आज मैं ऊपर आसमां नीचे पैसेंजर है नीचे। ये डिफिकल्ट दोस्तों, अभी हम पहुंच गए हैं भाट गांव। हमारे गांव के रास्ते में बीच में एक गांव पड़ा। अभी ये हो चुका है कि लगभग आधा एक किलोमीटर दूर हमारा गांव है, लेकिन यहाँ पे रास्ते में एक ट्रॉली जो है ट्रैक्टर वो फंस चुका है, जिसके आगे हमारी गाड़ी नहीं जा सकती है। इसके लिए अभी हम यहाँ पे ये देखो हम यहीं पे उतरेंगे, इसके बाद हम यहाँ से आगे पैदल चलने वाले हैं। तो भाई जी, क्या आप रेडी हो पैदल चलने के लिए? जी हम रेडी हो ना हो, मगर ये संजोग बन चुका है कि अब हमें पैदल ही जाना पड़ेगा क्योंकि अड़चन आ चुकी है, बता दो। तो कुछ इस प्रकार से ये ट्रॉली यहाँ पे फंस चुकी है। उधर हालत खराब है, उधर लोगों ने वो लगा रखा है। अच्छा, बहुत सारा ट्रैक्टर खींचा और ऑक्सीजन ना मिला, मेरा आग परेशान हो गया। इतनी ट्रैक्टर भगाऊ तो भागने आगे ना, ऑक्सीजन अंदर भी जाए उदास नहीं आ रहा। मैंने हुआ काम जब आगे तीन खेल थोड़ा जाओ। और फाइनली सबके सब जुट जुट पड़े हैं, सबके सब लग पड़े हैं, लेकिन ये काम हो चुका है और फाइनली गाड़ी यहाँ पे निकल चुकी है बाहर। तो फाइनली हम लोग ने सबने मदद करके अभी यहाँ पे जो ट्रॉली फंस हुई थी उसको निकाल दिया है। और दोस्तों ये हम पहुंच चुके हैं अपने गांव में और ये जो गांव दिख रहा है ये प्यारा सा गांव, ये हमारा प्यारा सा चंदा। फाइनली दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं अपने गांव और यहाँ पे बस अड्डा, ये यहाँ पे गाड़ी यहीं तक आती है, इसके ऊपर। इसके बाद हम जो ये रास्ता है यहाँ से हम आगे को जाएंगे ऊपर। हमारा गांव एकदम टॉप में है, हमारे यहाँ से और यहाँ से जो ये पूरी हमारी जो भिलंगना वैली है ना, यहाँ के सारे गांव जो आसपास के जो गांव है ये सारे दिखते हैं ऊपर से। देखिए सामने आपको दिख रहे होंगे छोटे 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 घर दिख रहे हैं। तो ये बहुत दूर दूर हैं गांव हैं और अभी हम यहाँ रास्ते से ऊपर की ओर जाएंगे अपने घर के लिए। हमें पैदल भी चलना पड़ेगा और मैं आपको दिखाऊंगा अपने गांव का प्यारा सा नज़ारा। तो आप बने रहिए मेरे साथ मेरी इस वीडियो में। सबसे पहले मैं दिखाऊंगा आपको मेरे गांव का धारा, जो कि हम जिसको हम जगदी के धारा के नाम से भी जानते हैं। ये हमारी भगवती इष्ट कुल देवी के नाम से है इस धारे का नाम। और थोड़ा सा पानी पीने के बाद फिर हम घर की ओर निकलेंगे। यही
देखो दोस्तों ये पानी कितना साफ है। और अभी यहाँ पे ठंडियों का टाइम है, फरवरी का महीना है, लेकिन पानी बिल्कुल गुनगुना सा, इतना ठंडा नहीं है। ये धारा की एक खासियत ये भी है कि यहाँ पे गर्मियों के टाइम पे पानी बिल्कुल ठंडा होता है, और जब ठंडियों की बात होती है तो पानी यहाँ पे गुनगुना आने लगता है। तो बहुत ही आनंद आ रहा है। जस्ट धारे के ऊपर ही ये प्यारा सा भगवान शिव जी का मंदिर है, शिवालय है, और यहाँ पे गांव वाले जलाभिषेक करते हैं, शिव जी का पूजन अर्चन करते हैं। बहुत ही प्यारा सा मंदिर है यहाँ पे। और अभी यहाँ पे थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, छोटा सा मंदिर है और कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा अस्त व्यस्त आपको दिखाई दे रही होगी, लेकिन पूरा कवर है यहाँ पे, यहाँ पर ये पेड़ों से आप देख सकते हैं। भेजी कैसा लगा आपको मंदिर? बहुत ही दिव्य। तो अभी हमें देर हो रही है, अभी हम जाएंगे यहाँ से घर के लिए ऊपर, काफ़ी चढ़ाई चढ़नी है अभी। तो दोस्तों आपको हम और भी प्यारी प्यारी जगहें एक्सप्लोर कराएंगे हमारे गांव की। तो दोस्तों देखो वो है नीचे रोड, और वहाँ से हम पैदल चढ़ के इतना ऊपर आ चुके हैं, लगभग इतना और हमने और ऊपर चढ़ना है, और सभी लोग लगे हुए हैं चढ़ने पे। ये देखो खड़ी चढ़ाई है, सब लोग लगे पड़े हैं रास्ते पे मंजिल के लिए, और अभी तक तो खाया भी नहीं। अब हम पहुँच चुके हैं अपने घर पे, बहुत ही आनंद आ रहा है। और आपको ये दिखाऊंगा मैं यहाँ पे हमारे घर में, देखें हमारा ना, मुझे सबसे अच्छी जो चीज़ लगती है यहाँ पे वो है हमारा पौलम का पेड़, और इस पे ना इतने सारे फूल लगे ना, वाह, मन ना बहुत खुश हो गया। देखो पूरा वाइट 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 वाइट, देखो बहुत ही प्यारा है, बहुत ही सही लग रहा है यहाँ पे। आहा बहुत ही मज़ा आ रहा है। तो इस बार अभी मई के टाइम पे यहाँ पे बहुत सारे पौलम होने वाला है, तो उस टाइम पे बहुत मज़ा आएगा। अगर मैं उस टाइम पे गाँव आऊँगा तो मैं ज़रूर आपको दिखाऊँगा कैसे होते हैं हमारे पेड़ के पौलम। और ये है हमारा प्यारा सा घर, और ये है, कौन है भाई तू? ये देखो, ये हमारा रिक्कू, रिक्कू भी यहाँ पे पहुँच चुका है। रिक्कू रिक्कू देखिए भोटिया, चल हिमालयन में।